नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। रेत के अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने आगे जा रहे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे 78 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वन विभाग के अमले ने घटना करने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। इसे राजसात की कार्रवाई की जा रही है। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अरे वो बालन से आ रहे थे। कौन आ रहा था? हम काय से आ रहे थे, ट्रैक्टर से। अरे वो पीछे से ट्रैक्टर वाले ने मारी है। नहीं, ट्रैक्टर वो रेत वाला पंटा टला हुआ है, उसमें रेत भरा हुआ था। ट्रैक्टर पीछे से मार रही, पीछे से टक्कर मारी तो बाबा उल्टे के दूर पर ही है। वहाँ पे वो पलटा टला है, उसी के पुण्य ने दी है तो वो चढ़ के दीवार में वो पलट गया। वो डोकरा में दिए, डोकरा वहाँ पर पड़ा जाके। देखिए, चंबल नदी में रेत उत्खनन की बात है तो हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारे पास SAF का फोर्स है, हमारा खुद का फोर्स है और हमारी एक टास्क फोर्स टीम है, पुलिस और प्रशासन मिलके। चंबल नदी जो है 435 किलोमीटर लंबाई में है और 435 किलोमीटर में हम देखें कि ट्राई स्टेट रिवर है, बट इसमें हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो रेत है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर साइड में काफ़ी ज़्यादा रेत है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर मध्य प्रदेश के श्योपुर है, आपका मुरैना है, भिंड है, इन क्षेत्रों में बहुत दबाव है। इन क्षेत्रों में दबाव होने के बावजूद भी जो हमारी टीम है, टास्क फोर्स है, वो लगातार जो है अवैध उत्खनन रोकने के लिए दिन और रात मेहनत कर रही है, गश्ती कर रही है। और आप देखेंगे कि अभी मतलब अगर हम देखें, हमारे पास एक साल के आंकड़े हैं तो इनमें लगभग हमने देखा है कि हम 200 वाहन जब्त कर चुके हैं और उन 200 वाहनों की जब्ती में लगभग 5 या 6 केस में ऐसे हुए हैं कि हमारे कर्मचारियों पर प्राणघातक हमले हुए हैं। 1-2 कर्मचारियों को तो इसमें जान भी गंवाना पड़ी है। अभी जो है आज की भी घटना हुई है, आज भी घटना जो हमारे वाहन जब्त हुए हैं तो कर्मचारियों ने बड़े मेहनत से और अपनी जान को जोखिम में डालकर जब्त किया है, क्योंकि ये जो रेत का जो मामला है, ये जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं और उनको रोकने के लिए हम लोग भरकर प्रयास कर रहे हैं। पंचायत नानखेड़ा द्वारा ग्राम कालंका में 8,43,000 रुपए की लागत से प्रमोद पटेल के खेत के पास खेत तालाब निर्माण कार्य किया गया, जिसमें धांधली होने की शिकायत मिली है। पहली बारिश में ही इस तालाब में पानी नहीं रुक सका। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब बनाने में 1/4 राशि ही खर्च की गई है, बाकी का बंदरबांट अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर कर ली। इस संबंध में अधिकारी भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले से गुजरने वाली नगर की जीवनदायिनी और सूरपुत्री ताप्ती नदी का जल स्तर कई वर्षों बाद कम हो गया है, जिसके फलस्वरूप ताप्ती लगभग सूखने के कगार पर आ गई है। इस नदी के राजघाट पर पत्थर की हथिया के नीचे कई साल पुराना प्राचीन शिवलिंग मिला है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक ही पत्थर से तराश कर अखंड बनाया गया है। शिवलिंग पर पत्थर से नाग भी बना हुआ है, ऐसे शिवलिंग मिलना दुर्लभ माना जाता है। हथिया के नीचे शिवलिंग मिलने की खबर फैलते ही यहां भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। बुरहानपुर से चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव में बीती 6 मई को हुई नवविवाहिता निधि तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी ननद सोनिका उर्फ शशि व ऋतु की गिरफ्तारी व हत्यारोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर मायके पक्ष के करीब 100 से अधिक लोगों ने बैनर तख्तियों में निधि को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो लिखी तख्तियां हाथ में लेकर रानीखेड़ा से कैंडल मार्च निकाला, जो गुड़ा गांव होते हुए भवानीगढ़ पहुंचा, जहां महाराजगंज कोतवाल लालचंद्र सरोज और शिवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार विद्यार्थी ने कैंडल मार्च कर रहे लोगों को समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए किसी तरह शांत कराया। रायबरेली से विजय कनौजिया की रिपोर्ट। हमारी बहन की हत्या हो गई है, आज 30 दिन हो गए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है, किसी ने आज तक अभी तो हत्यारों तक का नहीं पकड़ा, खाली 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी किसी को नहीं किया गया। आज 30 दिन हो गए, 2 महीने शादी के हुए थे और हत्या के लिए उन्होंने दहेज के लिए हमारी बहन को मार दिया। दो हैं, एक सोनिका उनकी जो है ननद है और एक ऋतु है। बिटिया की हत्या के बारे में निकाल रहे हैं, उन्होंने 5 तारीख हमको फोन किया, कहा मम्मी इनकी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो लोग हमको आधी रात में मार देंगे। 5 लाख रुपए और एक कार मांग रहे हैं, जो बैगन और मार दिया उसी रात को।
खनिज विभाग की लापरवाही के चलते खनिज माफिया हुए बेलगाम। माफियाओं का अनोखा खेल, गिट्टी से भरा डंफर 110 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ते हैं। ऑनलाइन रॉयल्टी में खुलासा हुआ है। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। गंज वासौदा के बेतवा नवलखी घाट पर नहाने के लिए लोगों को इन दिनों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण रेत के अवैध उत्खननकर्ता द्वारा यहां पर वोट लगा लेना बताया जा रहा है। पूरे पानी में डीजल की बदबू आती रहती है और कई बार नागरिक इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि विधायक लीना जैन, पूर्व विधायक निशंक जैन, SDM प्रकाश नायक को भी लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सभी मौन बने हुए हैं। गंज बासौदा से LN चौबे की रिपोर्ट। भाई ये नौलक्की का जो धार्मिक स्थल है और नहाने के लिए लोग लगभग 150 से 100 के बीच में निरंतर आते हैं और यहीं से नगर पालिका में पानी की सप्लाई होती है। 4-6 दिन पहले यहाँ एक प्रॉब्लम आने लगी और अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने लगी और पानी में तेल की लेयर्स आई, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हुई। हमने माननीय SDM खनिज अधिकारी और विधायक माननीय लीला जैन से इसके संबंध में कहा कि आप इसमें कार्रवाई करें। SDM साहब को मंदिर से भी ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये इसे हटवाइए। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल हटवा डाल, लेकिन फिर 2 दिन बाद वो आकर खड़ी हो गई है और वो अपना काम अवैध रूप से कर रहे हैं, तो हम लोगों की समझ में अब तक ये नहीं समझ में आ रही। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।